गंगा के तट पर जाकर के खड़े होते हैं। राम भगवान ने इस प्रकार से कहा कि गुरुजी ये बात समझ में नहीं आती है, सामने क्या है? बोले ये पाप काटनी गंगा है, और गंगा के अंदर जो भी इंसान आकर के स्नान कर लेता है उसका किया हुआ पाप भी भूमंडल के ऊपर नष्ट हो जाता है। इसीलिए ये संसार के अंदर अपनी धाराओं से बह करके पाप को मुक्त करती है। राम भगवान ने इस प्रकार से कहा कि गुरुजी मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, मुझे ये बताओ इस गंगा को भूमंडल के ऊपर से कौन लेकर के आया था, और किस प्रकार से गंगा भूमंडल के ऊपर बहा करती है। ये देख करके गुरु विश्वामित्र एक स्थान पर बैठ जाते हैं और एक स्थान पर बैठ करके कहना शुरू करते हैं कि ये राम मैं तुम्हें खोल करके बता देना चाहता हूं कि सूर्य वंशी राजा संसार के अंदर हुए हैं, इनका नाम अटल बताया गया है, ऐसे सुना जाता है। इसकी हरीशचंद्र नाम का राजा जिनके पिता का नाम त्रिशंकु था, सत्यव्रत भी उसके ही पिता का नाम था, जिनके दरबार में हरीशचंद्र हुआ, हरीशचंद्र के टाइम के अंदर भी गंगा थी, जो गंगा से पानी ला करके सूरों को पिलाया करता था, उस टाइम में गंगा थी, सारा वादा खोल करके बताता है। लेकिन वो कारण बस के कारण से समय बीतता हुआ जाता है, जब सात पीढ़ी और बीत जाती है, जिस प्रकार से हरीशचंद्र के दरबार में रोहित होता है, रोहित के दरबार में चंप होता है, इस प्रकार से पर पीढ़ी बीती हुई जाती है, सातवीं पीढ़ी में सैगर नाम का राजा होता है, जो आपकी माता के गर्भ से जहर के समेत पैदा होता है, और जहर के समेत पैदा होने के कारण से उसका नाम सागर निकाला जाता है। जिनके दरबार के अंदर दो रानियां थी, तुलसीकृत रामायण में प्रमाण और विद्वानों का मत मिलता है इसकी, एक रानी का नाम केसनी था और एक रानी का नाम सुमेति था। अगर अपन सुख सागर बैठ करके पढ़ते हैं तो एक रानी का नाम विद्रूपी था और दूसरी रानी का नाम सत्या था। दोनों रानी संतान से हीन होती है, नहीं कोई संतान दरबार के अंदर होती है, जब अंत समय दोनों रानी आपके पति के पास में वादा करती हैं, ये पति देव दरबार में संतान नहीं होगी तो हम जी करके क्या करेंगी। जब तैयार होकर के नगर के कांकर पर जाती है, कांकर पर जाकर के जहां भृगु ऋषि का आश्रम था, वहां जाकर के भृगु ऋषि की भक्ति करना शुरू करती है, ऐसा विद्वानों का मत और प्रमाण कहता है इसकी। जब एक साल बीत जाती है भक्ति करते करते, जब ऋषि प्रभु प्रसन्न होते हैं, बोलो कहो क्या बात है? बोलो हमारे गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं हुई है। खड़ी होकर के केसरी रानी ने इस प्रकार से कहा था कि कहो तुम कितना पुत्र चाहती हो। केसरी ने वादा किया था कि मेरे 60,000 पुत्र हो, सुमेति ने वादा किया था कि मेरे एक पुत्र हो, ऐसे दोनों वरदान पाती है, ऋषि तथास्तु कहता है और दरबार में आकर के रहना शुरू करती है। ऐसे बताया जाता है कि समय पाकर के केसरी के गर्भ से एक तुम्बी पैदा होती है और सुमेति के गर्भ से पुत्र का जन्म होता है, जिस पुत्र का नाम ऐसे संसार सुना जाता है इसकी असमन जस निकाल दिया जाता है। और जो जिनके गर्भ से तुम्बी पैदा होती है, जिनकी तुम्बी को खोल करके और जो निकाला जाता है तो 60,000 बीज निकलते हैं। गुरुजी जिस प्रकार से गंधारी ने 100 गिर्त के घड़ू में डाल करके घी के साथ जैसे पुत्रों को सींचा था, इस प्रकार से 60,000 गिर्त के घड़े बना करके और जो केसरी सींचती है, जब 60,000 पुत्र पैदा होते हैं। ऐसे सुना जाता है कि दरबार में रहकर के टाइम पास किया करते थे, अस्मन जस नाम का पुत्र उपद्रव करता है, उपराधी बनता है, पाप कमाता है, नगर के नरनारियों को उठाकर दरिया में डबो देता है, नगर के टापरों को मारता है। जब राजा के दरबार में आकर के खबर सुनाते हैं, शंकर राजा बैठ करके अस्मन जस को दुआग दे देता है, आपके दरबार से बाहर निकाल देता है। ऐसे रामायण में प्रमाण मिलता है इसकी, राजा सगर जिससे पहले 99 यज्ञ कर चुका था और एक 100वां यज्ञ बाकी रह चुका था। पहले के जमाने के अंदर ये परंपरा थी कि कोई एक जगह बैठ करके 100 यज्ञ अगर पूरा कर देता है तो इंद्र की पत्नी पा जाता है, कोई एक जगह बैठ करके 100 यज्ञ पूरा कर देता है तो स्वयं भगवान बन जाता है। जब इंद्र का सिंहासन डगमग डगमग हार जाता है, बस कि सगर बैठ करके 100 यज्ञ पूरा करेगा तो मेरी पत्नी को छीन लेगा। जब रात्रि के समय इंद्र तैयार होकर के जाता है और जो यज्ञ में घोड़ा छोड़ा गया था उस घोड़ा की लगाम पकड़ता है, लगाम पकड़ करके पाताल लोक में ले जाकर के कपिल मुनि के आश्रम पर
ध्यान देता है। अब राजा खड़ा होकर के परछाई डाल करके देखता है, घोड़ा नहीं मिलता है। जब आपके पुत्रों को आपके पास में बुलाता है इसके, तुम तैयार होकर के जाओ और मेरा घोड़ा को ढूंढ करके लाओ, ना तो यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा, तो संसार में जीना बेकार हो जाएगा। ये कथा बैठ करके विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को सुना रहे थे। राम ने इस प्रकार से कहा कि गुरुजी आगे क्या हुआ, तुम्हारी कथा के अंदर मुझे बड़ा आनंद आता है। जब विश्वामित्र इस प्रकार से कहता है कि ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं और हर दिशा में भ्रमण कर करके वापस आ जाते हैं, चारों दिशा छान देते हैं, लेकिन वो घोड़ा कहीं पर नहीं मिलता है। राजा के दरबार में आकर के खड़े होते हैं चारवां को 60,000 का जो मुंडा उतर जाता है। इस प्रकार से कहते हैं कि महाराज हमें तो घोड़ा नहीं मिला। जब सागर बैठ करके वादा करता है कि पागल अभी अनही पगु से तुम वापस जाओ, वापस जा करके चारों दिशाओं से पृथ्वी खोदना शुरू कर दो। जब चारों दिशाओं में जाकर के पृथ्वी खोदना शुरू करते हैं, तीन दिशाएं खोदते हैं, फिर भी घोड़ा कहीं पर नहीं मिलता है। जब चौथी दिशा खोदना शुरू करते हैं, अडाड़ा की जमीन खोद देते हैं, जब रास्ता के अंदर करुड़ निकलता है। रामायण में प्रमाण और विद्वानों का मत कहता है असकी करुड़ केसरी का नाना और मामा, रामायण के अंदर बताया गया है कि वो केसरी का मामा लगता था या नाना लगता था, ऐसा कोई कॉन्टैक्ट था। बड़ा प्रश्न होता है, गरुड़ के पास में 60,000 शीश नवाते हैं कि महाराज हमारा घोड़ा कहीं पर देखा, तो प्रश्न होकर के उसी समय वादा कर करके, और जो इस प्रकार से गरुड़ कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे घोड़ा का रास्ता मैं बताता हूँ, ये मार्ग पकड़ करके इस स्थान से चला जाओ, अवश्य तुम्हारा घोड़ा मिलेगा। जो गरुड़ की बात को मानते हैं, कुछ पल दूर तक गरुड़ उनके साथ जाता है और मार्ग पकड़ करके रास्ते से जा रहे थे उस जगह चले जाते हैं जहां पर कपल मुनि का आश्रम था और कपल मुनि आपका धुना सिलगा करके और भक्ति कर रहा था। ऐसी भक्ति को देख करके तैयार होकर कपल मुनि के पास भी जाते हैं। 60,000 के नेत्र जब कुटी पर पड़ते हैं, कुटी के पीछे कोई कोई जाकर के देखता है तो कुटी के पीछे घोड़ा बंधा हुआ था। सारे के मन के अंदर गुस्सा आता है कि यही है वो बाबा जी, यही है वो ढूंगी जो हमारे यज्ञ को विध्वंस करने वाला दिखाई देता है। ये विचार कर रहे थे, लेकिन उसमें ऋषि का कोई दोष नहीं था। अंधदोषी के अंदर दोष लगाते हैं, कोई किसी के लिए कुआं खोदता है तो खड्डा तैयार मिल जाता है। खड़े होकर के ऋषि को गाली देना शुरू करते हैं, बार बार ऋषि को धमकाते हैं, वादा देते हैं 60,000 खड़े होकर के, और जो कपल मुनि से कहते हैं तो क्या कह रहे थे, कैसे बैठा बैठा कपल मुनि 60,000 की बातें सुन रहा था।
सब्सक्राइब शेयर कमेंट